दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय बिझड़ी ट्रेड फेयर हमीरपुर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने आज राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार हमीरपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष और राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य पर 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे नालसा के देशव्यापी विशेष जागरूकता अभियान के तहत ये आयोजन हुआ। शिविर की अध्यक्षता राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने की। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने बताया कि गरीब और असहाय लोगों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए नालसा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आरंभ की है। पात्र लोगों को इस मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ उठाना चाहिए। भारतवर्ष में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो जिसमें कि हम गांव-गांव में जाएंगे और जा भी रहे हैं। ये साक्षरता अभियान एक इस बात को दर्शाता है कि हम जितने हमारे पूरे प्रदेश में करीब 21,000 गांव हैं, हम कोशिश ये है कि हर गांव में हम पहुँचे। गांव में अगर नहीं पहुँच सकते तो हम हर पंचायत में पहुँचे, नगर परिषद में पहुँचे, लोगों को अपना संदेश बताएँ, उनको विधिक जो उनके अधिकार है उसके बारे में बताएं और पात्र व्यक्ति कौन है उसके बारे में बताएं और एक कनेक्टिविटी बनाएं, ताकि ये जो एक अभियान हमने अभी चलाया है आइंदे के लिए भी और हर गांव के लोग, गरीब असहाय जो अनाथ लोग हैं या किसी को लीगल एड की ज़रूरत है, उनको एक आपस में हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमारे माननीय जो न्यायाधीश है, जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस तरलोक सिंह चौहान जी, उनके दिशा निर्देश पर हमने PLBs को इकट्ठा किया है और आंगनवाड़ी वर्कर्स को इकट्ठा किया है और जितने आशा वर्कर्स हैं उनको इकट्ठा किया है। उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो गांव से हर व्यक्ति से जुड़े हैं, वो संदेश गांव में पहुंचा सकते हैं। और खास तौर से पंचायत के प्रतिनिधि है, NGOs हैं या महिला मंडल है, युवक मंडल है, सबको हमने इकट्ठा किया है। और हर पंचायत में हम क्या करेंगे, जितने गाँव में बसें जा रही है उसमें हम पेम्पलेट बांटेंगे, ताकि यात्री भी इसका वादा उठा सकें। और एक महत्वपूर्ण कदम इसमें यह है कि अब लीगल सर्विसी अथॉरिटी को, गरीब आदमी को हमारे तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। हम केवल उनकी अगर कोई शिकायत है, उनके कोई एक एप्लीकेशन है, वो केवल पोस्ट ऑफिस में जाए, जहां स्थानीय पोस्ट ऑफिस है वहां हमारा एक लिफाफा होगा जिसमें पहले हमने अपना एड्रेस लिखा है किसी भी लीगल सर्विसी इंस्टीट्यूशन का, उसमें वो शिकायत दे या जो पोस्टमैन है उसको दे और उसके तहत वो संदेश हमारे तक पहुँच जाएगा। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। बिझड़ी का ट्रेड फेयर बना ग्राहकों की पहली पसंद। बड़सर उपमंडल के बिझड़ी में पहली बार लगा ट्रेड फेयर लेकर आया है गुणवत्तापूर्ण, आकर्षक, टिकाऊ और सस्ता सामान। यहां कपड़ों से लेकर ग्रोसरी, फर्नीचर, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का सामान ग्राहकों को लुभा रहा है। हिमाचली, दिल्ली व मुंबई के व्यंजन, घरेलू उत्पाद, हर्बल हेल्थ केयर, क्रॉकरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पटियाला सूट, भागलपुरी सूट, दिल्ली व जयपुर की कुर्तियाँ, पर्दे, पटियाला जूती, सहारनपुर फर्नीचर, कारपेट और लखनवी सूट सहित अन्य सामान ग्राहकों की पहली पसंद बना है। इस ट्रेड फेयर में हिमाचल का सुपर बाजार ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रहा है। इस स्टॉल में आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लकड़ी का आकर्षक सामान, गिफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स, खासकर सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले कपड़े और फुटवेयर बड़े ही आकर्षक दामों में ग्राहकों को मिल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8433078539 पर। सभी वैरायटी का हमारे पास मिल जाएगी, बहुत सस्ते दामों पर यहाँ पे सभी वैरायटीज हमारे पास अवेलेबल है। कस्टमर भी आ रहे हैं। अच्छा, तो फेस्टिव सीजन में आप लोगों को काफी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। जी जी जी, यहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी फैसिलिटी। क्या अपील करते हैं आप लोगों से, सामान लोगों से क्या अपील करते हैं? जी, यही अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहाँ पर आए, शॉपिंग करें और हम लोगों का जो है तो मनोबल बढ़ाएं, और ताकि आपका भी, कस्टमर्स का भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो।